दोपहर में हम लोग पहुँच आएंगे फ्रेंड्स जबलपुर ऑर्डरिंग के लिए और कुछ कुछ हम पार्सल लेके हेलो गाइज नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी फिर से आप लोगों को एक नया जर्नी में लेके जा रहा हूँ। यानी आज मैं जाने वाला हूँ जबलपुर एमपी, और अभी मेरी ट्रेन कुछ देर में आने वाली। फिलहाल मैं बोकारो थर्मल में हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो फटाफट जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शक्तिपुंज एक्सप्रेस है जिससे हम जर्नी करने वाले हैं। आज अभी नाइट में बैठने वाला 8 बजे और कल 2 बजे फाइनली मैं जबलपुर पहुँच जाऊँगा फ्रेंड। चलिए आज की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, कहीं स्किप नहीं करना फ्रेंड। चलिए चलते फिर। निकल चुका हूँ जबलपुर की ओर, और ये शक्तिपुंज एक्सप्रेस है जो हावड़ा से खुलती है 1:15 में और आपका जबलपुर पहुँचा देती है 2 बजे फ्रेंड्स। और कल फाइनली हम लोग जबलपुर पहुँच जाएंगे, और मेरी सीट उधर है 32 है, स्लीपर में अभी हूँ। चलिए आज गाइज हम लोग बरका खाना जंक्शन पहुंच चुके हैं, और ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है। यहाँ से 2 लाइन के लिए आपको अलग अलग रूट के लिए ट्रेन आपको मिल जाती है। जैसे आपका रांची जाने के लिए अलग रूट है, साथ ही हज़ारीबाग जाने के लिए अलग रूट है, साथ ही आपका गोमो जाने के लिए अलग रूट है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको बहुत सारी ट्रेन चलती है, इंजन अभी चेंज होने वाली है, लगभग आधा घंटा भी ट्रेन रुकने वाली है। पानी बोतल लेना है, चलिए पानी बोतल यहाँ से लेते हैं। कितने का भैया पानी बोतल? 15 की 10 भैया, 15 का है। सो गाइस एक बिस्किट ले चुके हैं, एक पानी बोतल ली है मॉर्निंग के लिए, और कुछ कुछ हम पार्सल लेके आए वही खाएंगे अभी। सोने के लिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। कुछ देर पहले अभी मेरी नींद खुली, और फिलहाल मैं ओबरा डैम में, यानी ये उत्तर प्रदेश में आती है, और ये सुबह के 6:30 बज रही है, और अभी थोड़ा देर में हम लोग पहुंचने वाले सिंगरौली, जो काफ़ी फेमस है, जो उत्तर प्रदेश में आती है फ्रेंड्स। और काफ़ी ठंड लग रही है, एक्चुअली झारखंड में ठंडी कम थी, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और अभी एक्चुअली यहाँ पर सिग्नल नहीं है, अभी सिग्नल मिलेगा फिर हम लोग आगे निकलेंगे। आज की जर्नी काफ़ी शानदार होने वाली, कल नाइट में जर्नी बढ़िया ही था, आज भी जर्नी शानदार होने वाली है। चलिए गाइस हम लोग सिंगरौली पहुंच चुके हैं, अभी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट रुकेगी और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। एक्चुअली ये एमपी में आती है, सकते हैं सारा सिंगरौली का नज़ारा, और सुबह के 7:30 बज रही है, और अभी लगभग हम कल 8 बजे ट्रेन बैठे हुए थे, और अभी 8 बजने वाली है, मतलब 12 घंटे का जर्नी हम कर चुके हैं फ्रेंड। दोपहर में हम लोग पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स जबलपुर, और फिर आप लोगों को जबलपुर भी टूर करवाने वाले हैं। बच्चों का खेलना बोलना भाई, लाइट बॉल चिड़िया बॉल बोलना। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कटनी नॉर्थ में। कटनी बहुत है, नॉर्थ है, साउथ है, और नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग का जबलपुर, आने की 1 घंटे और लगेगा यहाँ से आने में, और फाइनली हम जबलपुर पहुँच जाएंगे फिर।
गाइस मैं पहुंच चुका अपनी मंजिल मतलब जबलपुर पहुंच चुका और साथ में भाई फ्रेंड बने हैं सौरभ भाई। एक्चुअली ये भोपाल जाने वाले हैं, अभी इसकी ट्रेन है 5 बजे और फिलहाल मैं जबलपुर जा रहा हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर आने, एक फ्रेंड आने वाले हैं विनोद जी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों का, जबलपुर का टूर करवाते हैं क्या भाई। हाँ मिलेंगे फिर हम लोग। भाई का चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, भाई का 5 बजे ट्रेन है और फिर मैं अभी थोड़ा देर में निकलूँगा। 1 साल के बाद आ रहा हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे आया था, जबलपुर से गया था छिंदवाड़ा। और भाई हमसे विदा ले रहे हैं, मिलते हैं। हाँ ठीक है, फ्री लगा आपसे मिलते हैं। बड़ी जंक्शन है, यहाँ से आपको मुंबई से लेकर आपको पूरी इंडिया में जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। और अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 में जा रहे हैं बाहर में, एक्चुअली इधर ही है आपका सिटी। एग्जिट की ओर जाते बहुत लोगों के पास मास्क नहीं लगा हुआ है। गाइस वहाँ पे आपका जनरल टिकट वहाँ से मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ तो नहीं है। जब मैं 1 साल पहले आया तो काफ़ी भीड़ था, बट कोरोना को लेके थोड़ा कम हो चुका है। और फिर अभी निकलेंगे थोड़ा देर में हम। तो गाइस फिर से मुझे प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअली मैं गलत साइड में चला और मुझे रिजर्वेशन टिकट को कैंसिल करवाना है। फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहा हूँ। गोरखपुर गाड़ी कुछ ही समय में सकते हैं सारा रेलवे स्टेशन का जबलपुर का। नीले गाइस आ चुके हैं, अब वहाँ पे हमको रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करवाना। परेशानी हो रही है, मैं अपना टिकट रिटर्न नहीं करवा पा रहा हूँ, इधर से उधर अभी जा रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ फाइनली यहाँ पे रिजर्वेशन सेंटर में, देखते हैं क्या होता है। फिर अनिली गाइस मेरी टिकट कैंसिल हो चुकी है, लगभग आधा घंटा मुझे लग चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं जबलपुर जंक्शन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। ये ऑटो दिख रहा है आपका साउथ जैसा, अधिकतर साउथ में ऐसे ऑटो मिलती है, देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा। और अब सिटी जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाना होता है, सॉरी 1 नहीं 5, 6, 7 में, अभी मैं उधर जाऊँगा। गाइस अभी कुछ देर पहले हम लोग विदाई भी हुए सौरभ भाई से, बट फाइनली हम लोग मिल गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। गाइस मुझे कैंसिल करवाना था और अभी ट्रेन की टाइमिंग होने चला, फिर चलेंगे सौरभ भाई। गया से चले तो फिर महापुर। गाइस फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ गए हैं और सौरभ भाई को वहाँ पे छोड़ दिए। एक्चुअली उसकी ट्रेन है 5 बजे और काफ़ी थोड़ा बहुत मुझे परेशानी हुई, एक्चुअली मुझे टिकट कैंसिल करनी थी जो कैंसिल हो चुकी है। और अब हम जाने वाले हैं थोड़ा रूम, यानी कि होटल रूम जाने वाले हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर ठहरूँगा और आप लोगों को कल टूर करवाऊँगा जबलपुर का। चलिए चलते हैं आगे, आप लोगों का बाहर का मार्केट दिखाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, जब मैं 1 साल पहले आया था तो इधर पूरा मार्केटिंग था, बट सारा ये रेलवे का सा ज़मीन है इसलिए यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं लगा हुआ था। लेकिन सारा देखिए बोर्ड वगैरह लग चुका है, ये सारा बाहर का नज़ारा है, ये सारा दुकानें वगैरह यहाँ पर स्टॉल वगैरह आपको मिल जाएगी चाय पीने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कुछ नाश्ता भी कर लेंगे, फिर हम जाएँगे होटल। इधर दुकानें हैं, से चाय थोड़ा चाय पीते हैं और फिर जाएंगे होटल की ओर। और एक्चुअली पता किए तो इंदिरा मार्केट में काफ़ी होटल है और वहीं में आज मैं स्टे करूंगा और आप लोगों को कल घुमाऊंगा जबलपुर। मंगल एक चाय भैया। बाबू जी ये जमाने चलेगा, 1 रुपये चाय नहीं मिल रही है। एक चाय काफ़ी टेस्टी फ्रेंड्स, इलाची वाली चाय। और फाइनली गाइस मैं जा रहा हूँ अभी होटल देखने के लिए, ये जबलपुर से है ना। ओके चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाते हैं जबलपुर सिटी का। और कल हम लोग घूमने वाले हैं, काफ़ी फेमस है भेड़ा घाट यहाँ का। थोड़ा आप धुआंधार आधा घंटा घूम सकते हो। हाँ हाँ ऐसा है क्या? हाँ
एक्चुअली गाइस मैं इंदिरा मार्केट पहुंच चुका हूं। अब होटल ने अभी होटल देखने के लिए जाना, एक्चुअली ऑटो वाले ने इधर उधर दिखाया बट हमको पसंद नहीं लगा और फाइनली मैं डिसीज़न लिया मैं खुद से जाकर होटल देखता हूं, जो मुझे पसंद आएगा फिर मैं आज स्टे करूंगा। चलिए चलते हैं आगे। गाइस मुझे होटल मिल चुकी है और मैं आज मैं स्टे करने वाला हूं और कल मॉर्निंग में निकलने वाला है। यहां का काफ़ी फेमस है जिसको भेड़ाघाट बोलते हैं, यानी कि कल की ब्लॉग काफ़ी शानदार होने वाली फ्रेंड्स। एक्चुअली इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो का हम एंडिंग करते हैं। अगर आप लोगों को जर्नी बढ़िया लगा बोकारो थर्मल टू जबलपुर तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करना है, साथ ही शेयर करना है। अगर आपको अच्छा और भी अच्छा लगा तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, जबलपुर की काफ़ी फेमस जगह घुमाने वाले हैं। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।